बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है 6 वीक चल रहा है। कल हमने जो है 6 वीक चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 जो है डिस्कस किया था आपके सबका। आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी आज के हमारे टॉपिक क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल मेमोरी चल रहा है हमारा, और टॉपिक्स जो है आज हमारे मेमोरी में मैप्ड फाइल है और सेकंड पे एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी। तो ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम जो है जान लेते हैं, हमारे पास जो है पहला टॉपिक मेमोरी मैप्ड फाइल। तो मैपिंग क्या होता है बेसिकली? तो हमारे पास दो तरह के एड्रेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस होते हैं और फिजिकल एड्रेस स्पेस होती है। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस को जब ट्रांसलेट किया जाता है फिजिकल मेमोरी में, इसको मैपिंग कहा जाता है। तो बेसिकली ये होता है इसलिए कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्लो हो जाता है, या कंप्यूटर हमारा जो स्लो होता है उसको यानी थ्रैशिंग कंडीशन से बचाने के लिए, कल हमने थ्रैशिंग पढ़ा था, उस कंडीशन से बचाने के लिए हमने क्या है कि मेमोरी मैप्ड फाइल जो है हम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो डोमेन होती है उसको हम रेंज के साथ, यानी हम फाइल्स को आपस में एसोसिएट करवाते हैं। इसमें जब हम फाइल्स को आपस में एसोसिएट करवाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी मैप्ड फाइल। तो देखें यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे आपको नज़र आ रहा है, ए मेमोरी मैप्ड फाइल कॉन्टेन द कॉन्टेंट्स ऑफ फाइल इन वर्चुअल मेमोरी। यानी जो हमारी फाइल एक तो हमारी स्टोरेज में है और दूसरी हमारी जो वर्चुअल मेमोरी में है, यानी तो उन दोनों को आपस में, यानी जो कंटेंट्स हैं उनको आपस में क्या है मैच करवाना होता है हमने। तो दिस मैपिंग बिटवीन फाइल एंड मेमोरी स्पेस एनेबल एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मल्टीपल प्रोसेसेस टू मॉडिफाई द फाइल बाय रीडिंग एंड राइटिंग डायरेक्टली टू द मेमोरी। यानी हमने कल वर्चुअल मेमोरी चल रही है, तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली हमारे पास मेन मेमोरी नहीं है। हमने जो है स्टोरेज से, मेन स्टोरेज जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है उससे हमने कुछ पोर्शन लिया हुआ है जिसको हम एज ए रैम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो फाइल है बेसिकली वो तो हमारी स्टोरेज में ही स्टोर होती है। अब हमने उसको क्या है लोड करवाया हुआ है वर्चुअल मेमोरी में। तो अब हमने इनको क्या है आपस में मैप्ड करवाना होता है। यानी जब हम वर्चुअल मेमोरी में लोड की गई फाइल को जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग कर रहे होते हैं, कोई मॉडिफाइंग उसमें हम यानी मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो जो हमारी ओरिजिनल फाइल जो स्टोर होती है क्या उसमें भी ये सब कुछ हो रहा होता है, तो इन कॉन्टेंट्स को आपस में हमने क्या करवाना होता है अटैच करवाना होता है, मैप्ड करवाना होता है। तो देखें यहाँ पर देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी मैप्ड फाइल, दो तरह की होती है। उसमें परसिस्टेंट मेमोरी मैप्ड फाइल है, ये बेसिकली क्या होती है, परसिस्टेंट फाइल आर मेमोरी मैप्ड फाइल दैट आर एसोसिएट विद द सोर्स फाइल ऑन डिस्क। जो हमारी सोर्स फाइल यानी जो ओरिजिनल हमारी फाइल जो डिस्क में स्टोर है उसके साथ हमने क्या करवाना होता है, इसको एसोसिएट करवाना होता है। वैन द लास्ट प्रोसेस हैज़ फिनिश वर्किंग विद द फाइल, यानी जो हम लोड तो हमने उसको वर्चुअल मेमोरी में किया हुआ है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके ऊपर। तो जब हम उस पर प्रोसेसेस कर रहे होते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल फाइल है डिस्क के ऊपर स्टोर, उसके साथ हम इसको क्या है एसोसिएट करवा लेते हैं, तो ये परसिस्टेंट होता है। तो देखें यहाँ पर द डाटा सेव टू द सोर्स फाइल ऑन द डिस्क, दीज मेमोरी मैप्ड फाइल आर सूटेबल फॉर वर्किंग विद एक्सटर्नली लार्ज सोर्स फाइल। यानी जो हमारे पास एक्सटर्नल जो लार्ज फाइल्स होती हैं उनके ऊपर यानी हम ये जो है मैप्ड फाइल का काम करवाते हैं। सेकेंड जो हमारी टाइप है वो है नॉन परसिस्टेंट मेमोरी मैप्ड फाइल। ये बेसिकली क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट फाइल आर मेमोरी मैप्ड फाइल दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद द फाइल ऑन डिस्क। यानी ये फाइल जो हमारी ओरिजिनली जो है डिस्क पर स्टोर नहीं होती, हमने इसको लोड करवाया हुआ होता है वर्चुअल मेमोरी में, तो ये उसके साथ एसोसिएट नहीं होती। यानी व्हेन द लास्ट प्रोसेस हैज फिनिश वर्किंग विद फाइल, यानी जो लास्ट प्रोसेस हम इस पर कर रहे हैं वो फिनिश करेंगे, द डाटा इज लॉस्ट एंड द फाइल इज रिक्लेम्ड बाई गार्बेज कलेक्शन। तो जो हमारा जो डाटा है वो भी लॉस्ट हो जाएगा और जो हमारी फाइल है वो भी गार्बेज में चली जाएगी, यानी वो कंसिडर ही नहीं होगी क्योंकि वो एसोसिएटेड ही नहीं थी हमारी जो स्टोरेज में जो ओरिजिनल फाइल है उसके साथ एसोसिएटेड नहीं थी। तो देखें अब नेक्स्ट, प्रोसेसेस व्यूज एंड मैपिंग मैनेजिंग मेमोरी। देखें इसमें हम किस कैसे करते हैं, मेमोरी मैप्ड फाइल कैन बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसेस। ओरिजिनल फाइल है हमारी जो स्टोर है उसको हम मल्टीपल प्रोसेसेस जो है उनके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या है, प्रोसेसेस कैन मैप टू द सेम मेमोरी मैप्ड फाइल बाय यूजिंग कॉमन नेम दैट इज असाइंड बाय द प्रोसेस दैट क्रिएटेड फाइल। यानी जो ओरिजिनल फाइल का नेम है उसी फाइल के नेम के साथ ही हम इस फाइल को जो है मैप्ड करवा रहे हैं।
द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शो हाउ मल्टीपल प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल ओवरलैपिंग व्यूज ऑफ द सेम मेमोरी मैप फाइल एट द सेम टाइम। तो उसी सेम टाइम में सेम मतलब जो वो फाइल है उसके ऊपर यानी वो जो है वर्किंग हो रही होती है, ओवरलैपिंग भी हो रही होती है, लेकिन हमारी जो वो फाइल है जो वर्चुअल मेमोरी जिसके ऊपर प्रोसेसेस हो रहे हैं वो ओरिजिनली जो है हमारी स्टोर है वहाँ स्टोरेज में उसके साथ एसोसिएट करवा के ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, द फॉलोइंग इमेज शो मल्टीपल ओवरलैप्ड व्यू टू मेमोरी मैप्ड फाइल। देखें ये इमेज यहाँ पर हमारे पास व्यू वन है, व्यू टू है प्रोसेस वन के, प्रोसेस बी का व्यू वन, व्यू टू, व्यू थ्री। तो यहाँ पर देखें ब्लॉक वन, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तो ये जो है हमारे जो प्रोसेस के ऊपर व्यू वन ब्लॉक ए, व्यू टू वो ब्लॉक बी, इसी तरह इधर प्रोसेस बी का जो व्यू थ्री है वो भी ब्लॉक बी में, यानी ये हमारी जो फाइल है ओरिजिनली तो हमारी जो इस साइड पे है। तो यहाँ पर ये देखें जी उसके ऊपर मॉडिफिकेशन हो रही है, उस पर प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो ओवरलैप्ड हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलैप। तो ये देखें ये ए प्रोसेस का ये ब्लॉक ए है, ये जो है यानी यहाँ प्रोसेस ए का ब्लॉक ए होना चाहिए था बट ये इसके साथ भी एसोसिएटेड है प्रोसेस बी के साथ, इसलिए इसको हमने क्या है प्रोसेस बी का नाम भी दिया है, इसलिए इसका व्यू वन भी इसके साथ अटैच है, तो ये ब्लॉक बी कंसिडर होगा। तो देखें जी ए प्रोसेस वाले यानी ब्लॉक ए होना चाहिए था, वो ब्लॉक बी है, ओवरलैप्ड हो गया है क्योंकि दो फाइल्स यहाँ से एसोसिएटेड है इसके साथ। इस तरह ये ब्लॉक सी जो है ये भी एक अलग से यानी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो ये इस तरह से जो है फाइल्स एसोसिएट हो रही होती हैं और मैप्ड हो रही होती हैं। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास, इट इज़ टू हार्ड फॉर एनी कंप्यूटर सिस्टम टू नो द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द आउटपुट फाइल। कि कोई भी कंप्यूटर है वो एग्जैक्ट जो लेंथ है उस फाइल की या उसके जो है एग्जैक्ट जो है स्पेस वो नहीं बता सकता। इफ अ फाइल मैप्ड इन बाय वन प्रोसेस एंड ओपन कन्वेंशनली रीडिंग बाय अनदर, यानी एक प्रोसेस जो है उसने ओपन किया है और दूसरे ने भी उसको ओपन करवा लिया, इफ द फर्स्ट प्रोसेस मॉडिफाई पेज पहला उसको मॉडिफाई कर रहा है, देन द चेंज विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइल ऑन द डिस्क अंटिल पेज इज एविक्टेड। तो यानी उस पर चेंज नहीं होगा जब तक उस पेज को यानी वहाँ ओरिजिनली लाया नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली अब एक यूज़र वो पेज को ओपन करके उसको रीड कर रहा है और दूसरी साइड से किसी और ने उसको क्या है ओपन करके, अब पहला जो उसमें ओरिजिनल तो दूसरे के पास है, पहले ने उसके ऊपर अगर कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंज किया है तो वो नहीं होगा क्योंकि वो एसोसिएटेड किसके साथ है, दूसरे के साथ है ओरिजिनली। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, फाइल में भी लार्जर देन सेगमेंट आर सम टाइम लार्जर देन द होल वर्चुअल एड्रेस स्पेस, के लार्जर होती है या वर्चुअल स्पेस से भी लार्ज होती है सम टाइम, फिर क्या होता है। फाइल मूव करते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है स्लाइड्स के ऊपर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी मैप्ड फाइल, के मेमोरी मैप्ड फाइल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि हम क्यों मेमोरी को जो जो हमारी फाइल्स है उसको हम क्यों मैप्ड करवाते हैं ओरिजिनल फाइल के साथ। तो देखें इसमें कंकरेंसी, कंकरेंसी बेसिकली क्या होता है कि एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा जो है प्रोसेस या एक से ज़्यादा फाइल्स जो है आप ओपन कर सकते हैं, बेसिकली कंकरेंसी ये होता है। रैंडम एक्सेस आप कर सकते हैं, ये नहीं कि एक सीक्वेंस में आपने एक्सेस करना है फाइल्स को, आप रैंडमली एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो हमारी इम्प्रूव हो जाती है परफॉर्मेंस इस मेमोरी मैप फाइल के ज़रिए, ईज़ ऑफ यूज़ हो जाता है क्योंकि वो जो फाइल है ओरिजिनली एसोसिएटेड होती है उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी मीन के एक सिस्टम में अगर उसको रन किया जा रहा है तो दूसरी में भी उसको रन किया जा रहा है, एक में ओपन कर रहे हैं तो दूसरी में भी हो रही है, तो ये बेसिकली पोर्टेबिलिटी हो जाती है, पोर्टेबल है। टॉपिक नंबर वन हमारा दी एंड हो गया, टॉपिक नंबर टू हम स्टार्ट करते हैं जो है एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी। कर्नल मेमोरी बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में बताया था कि जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र का और हार्डवेयर का इंटरफेस करवाता है, इसी तरह कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस करवा रहा होता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। देखें जी एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी, व्हेन अ प्रोसेस रनिंग इन यूज़र मोड रिक्वेस्ट एडिशनल मेमोरी पेज आर एलोकेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्री पेज फ्रेम मेंटेन बाय द कर्नल। तो कौन उसको मैनेज कर रहा होता है, कर्नल मैनेज कर रहा होता है कि जब एक पेज की रिक्वेस्ट की जाती है और वो हमारे पास रिक्वेस्ट की जाती है और वो एलोकेटेड है तो उसको क्या है मेंटेन करना फ्री फ्रेम को, कर्नल का काम है। देर आर टू प्राइमरी रीजन फॉर दिस, द कर्नल रिक्वेस्ट मेमोरी फॉर डाटा स्ट्रक्चर वेरिंग साइज सम ऑफ विच आर लेस देन पेज साइज।
यानी जब साइज़ हमारा इंक्रीज़ करता है, जो ओरिजिनल फाइल है उसका साइज़ ज़्यादा है और पेज साइज़ हमारा कम है, उस टाइम ये काम किया जाता है। एज रिजल्ट द कर्नल मस्ट यूज़ मेमोरी कंजर्वेटिवली एंड अटेम्प्ट टू मिनिमाइज वेस्ट ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए ये काम किया जाता है कि जो कर्नल है वो उसको एलोकेट करवा देता है एडिशनल। सेकेंड है पेज एलोकेटेड टू यूजर मोड। यूजर मोड में यानी जो पेज एलोकेट किया जाता है, पर्स डू नॉट नेसेसरली हैव टू बी कंटीजियस फिजिकल मेमोरी, तो फिर कंटीजियस यानी एक सीक्वेंस में नहीं होते। हाउ एवर सर्टेन हार्डवेयर डिवाइस इंटरेक्ट डायरेक्टली विद फिजिकल मेमोरी विदाउट बेनिफिट ऑफ वर्चुअल मेमोरी इंटरफेस एंड कंसिक्वेंटली मेक रिक्वायर मेमोरी रिसाइडिंग इन फिजिकल कंटीजियस पेज। तो बेसिकली ये होता क्या है कि जो कॉन्टीजियस और नॉन कॉन्टीजियस होता है, यानी एक तो होता है कि एक सीक्वेंस में पेजेस को स्टोर करवाना और एक होता है कि सीक्वेंस में ना स्टोर करवाना, वो नॉन कॉन्टीजियस। तो ये कर्नल जो एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी है, ये पेजेस को कॉन्टीजियसली यानी एक सीक्वेंस में पेजेस को स्टोर करवा रहा होता है, फिजिकल के ऊपर भी लॉजिकल में भी। बडी सिस्टम एलोकेटर यहाँ पर है हमारे पास। बडी एलोकेशन सिस्टम इज एन एल्गोरिथम इन विच लार्जर मेमोरी ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट, कि जो एक हमारे पास लार्ज ब्लॉक होगा, लार्ज मेमोरी ब्लॉक, उसको डिवाइड कर देगा कि इसमें छोटे छोटे यानी जो पार्ट्स है उसमें। द एल्गोरिथम इज यूज टू गिव बेस्ट फिट, ये बेस्ट फिट है। दे आर द टू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ ब्लॉक आर इक्वल साइज एंड कॉल्ड बडी, तो यानी वो जो लार्ज ब्लॉक है उसको इक्वल में डिवाइड करके वो जो है हमारे पास बडीज होंगे। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम टू के 256 KB चंक अवेलेबल कर्नल रिक्वेस्ट 21 KB, यानी हमारे पास जो है 256 KB अवेलेबल है और जो कर्नल है वो रिक्वेस्ट करता है 21 KB की। तो अब डेफिनेटली अब उनको डिवाइड करना पड़ेगा, उनके ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो 21 KB को एक्सेस कर सकेगा। तो ये बड़ी सिस्टम होता है। अब देखें हम उसको डिवाइड करेंगे, स्प्लिट इनटू ए एल एंड ए आर। ए लेफ्ट के नाम से जाना जा रहा है और ए आर ए राइट, यानी ऑफ 128 KB। वन फर्दर डिवाइड बी यानी बी प्रोसेस उसको लेफ्ट और बी राइट 64 KB। इस तरह एक और फर्दर डिवीजन होगी आगे, मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। सी राइट और सी, हमारे पास सी लेफ्ट है सी राइट है 32 KB। तो इस 32 KB में वो 21 को एक्सेस करेगा। देखें यहाँ पर डायग्राम में, ये देखें 256 KB को AL AR 128 में हमने डिवाइड कर दिया। इसी 128 को फर्दर जो है दो ब्लॉक उसके बना लिए हमने 64 64 के, फिर उसके 64 के फर्दर दो ब्लॉक बना लिए, यानी एक ट्री डायग्राम हम बना रहे हैं। तो ये लास्ट में 32 KB 32 KB के दो ब्लॉक्स आ गया। तो हमें जो है रिक्वायर कितनी थी, एक्सेस कितनी करनी थी 21 KB, तो वो इस 32 के अंदर 21 को एक्सेस इजीली कर लिया जाएगा। तो ये देखें फिजिकल या कॉन्टिजियस पेज हमने बनाए हैं बड़ी सिस्टम एलोकेटर के जरिए। नेक्स्ट देखें जी स्लैब एलोकेटर है, इसमें क्या होता है। स्लैब एलोकेटर कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ ईच दैट आर लिंक्ड टुगेदर ऑन डबली लिंक्ड सर्कुलर लिस्ट कार्ड अ कैशे चेन, यानी इसमें एक चेन बनेगी, उस चेन के अंदर उनको क्या एक्सेस किया जाएगा। व्हेन कैशे क्रिएटेड फाइल विद ऑब्जेक्ट मार्क एज फ्री, देखें जी व्हेन स्ट्रक्चर स्टोर्ड ऑब्जेक्ट मार्क एज यूज, यानी जब वो कैशे क्रिएट की जाएगी तो वो मार्क फ्री होगा और जब स्ट्रक्चर उसमें यानी स्टोर हो जाएगा तो वो मार्क यूज के नाम से जानी जाएगी। इफ स्लैब इज फुल ऑफ यूज ऑब्जेक्ट, यानी फुल है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एलोकेटेड फ्रॉम एम्प्टी स्लैब, जो एम्प्टी स्लैब है उसको यूज किया जाएगा। इफ नो एम्प्टी स्लैब न्यू स्लैब एलोकेटेड, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एक नई स्लैब बनाई जाएगी। तो बेनिफिट्स क्या है, इंक्लूड नो फ्रेगमेंटेशन इसमें भी नहीं होगी, फास्ट मेमोरी रिक्वेस्ट और सेटिस्फेक्शन है। अब इसमें देखते हैं डायग्राम स्लैब एलोकेटर के अंदर, ये देखें यहाँ पर ये कर्नल ऑब्जेक्ट है 3 KB ऑब्जेक्ट, इसके ये जो कैशे है उसके फर्दर डिवाइड किया गया है। अब इसमें यानी दो यूज्ड हैं, दो यूज नहीं है स्लैब्स, ये देखें यहाँ पर जो ब्लू कलर में आपको शो हो रही हैं। इस तरह 7 KB की ये देखें यहाँ पर 3 3 6, यानी ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं। तो उनके अंदर जो यूज्ड हैं वो आपको वाइट नज़र आ रहे हैं और जो नहीं है वो आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं। फिजिकल कॉन्टीजियस पेज है, ये स्लैब्स यूज होते हैं। तो अवेलेबल होगी तो वो उसको स्टोर, और अगर अवेलेबल नहीं है तो एक नई स्लैब क्रिएट कर ली जाएगी। तो ये इस तरह से कर्नल जो है ये स्लैब एलोकेटर का काम जो है करवा रहा होता है। नेक्स्ट देखें प्री पेजिंग,
पेजिंग क्या होता है? पी पेजिंग इज अ टेक्निक इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्री लोड द पेज ऑफ प्रोसेस वर्किंग सेट इनटू मेमोरी इन पेजिंग विर्चुअल मेमोरी मल्टी टास्किंग एनवायरमेंट बिफोर प्रोसेस रिस्टार्ट। कि जब प्रोसेस रिस्टार्ट होता है उससे पहले ही, यानी वो क्या करता है, उसको वर्चुअल मेमोरी के अंदर लोड करवाता है, और क्या कर रहा होता है, पेजिंग के जरिए ये काम हो रहा होता है, तो इसको प्री पेजिंग। प्री पेजिंग बेसिकली मतलब इसका यही है कि प्रोसेस जो है स्टार्ट होने से पहले, यानी उसको लोड करवा दिया जाए। पेज साइज है उसमें, यानी साइज पेज का साइज बताया जाएगा। विद कंप्यूटर पेज साइज रेफर टू साइज ऑफ पेज विच इज ब्लॉक ऑफ स्टोर्ड मेमोरी, यानी उसका एक्चुअल साइज कितना है और ब्लॉक उसका कितना बनाया गया है। नेक्स्ट देखें, टी एल बी रीच ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मेमोरी एक्सेसिबल फ्रॉम टी एल बी रीच TLB size multiplied by page size the working set of each process stored in TLB otherwise there is a high degree of page fault। कि जो हमारा जो TLB in translation looks aside buffer है उसको multiply किया जाता है page size के साथ, तो इस तरह जो है वो actual जो उसका size होता है वो यानी उसको access करता है, otherwise क्या है page fault आ जाता है यहाँ पर। well move करते हैं हम next, कुछ terms हैं जो हम पढ़ रहे हैं एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी की, उसमें पहले TLB थी। अब नेक्स्ट जो है वो है इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या होता है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा होता है। इन्वर्टेड पेज टेबल इज अ ग्लोबल पेज टेबल विच इज मेंटेन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल प्रोसेसेस। के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब प्रोसेसेस के लिए एक इन्वर्टेड पेज टेबल क्रिएट किया जाता है, और वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मेंटेन किया जा रहा होता है, और वो उसको क्या है एक्सेस करवा रहा होता है। नेक्स्ट टर्म जो है इनपुट आउटपुट इंटरप्लॉक एंड पेज लॉकिंग। बेसिकली ये होता क्या है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई प्रोसेस है, कोई पेज है, उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं लेकिन वो मेमोरी के अंदर लॉक हो चुका है, तो ये टर्म जो है इसलिए यहाँ पर बताई गई है कि जो पेजेस हमारे लॉक होते हैं और हम उनको क्या एक्सेस करते हैं और एक्सेस नहीं कर पाते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, कर्नल की तरफ से क्या है लॉक्ड हो चुके होते हैं। देखें, इनपुट आउटपुट जो है इंटर पेज मस्ट बी सम टाइम बी लॉक्ड इनटू मेमोरी। पेज दैट आर यूज फॉर कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम डिवाइस मस्ट बी लॉक्ड फ्रॉम बीइंग सिलेक्टेड फॉर अ विक्टम। यहाँ पर विक्टम यानी कि कोई पेज है उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं लेकिन वो मेमोरी के अंदर लॉक्ड हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट आउट इंटर लॉकर पेज लॉकिंग, तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये टर्म भी जो है एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी के अंदर कंसीडर की जाती है। तो ये तीन फंक्शन जो है जो एलोकेटिंग कर्नल जो मेमोरी है परफॉर्म करवा रही है, उसमें दो पीछे थे, प्री पेजिंग थी, प्री साइज था। प्री पेजिंग में यानी वो पेज को पहले ही लोड करवा देता है, और प्री साइज में यानी उसका साइज फिक्स कर दिया जाता है। फिर टी एल बी रीच हमने ट्रांसलेशन लुक का साइड बफर पढ़ा, उसके बाद जो है नंबर फोर पे इन्वर्टेड पेज टेबल पढ़ा, उसके बाद नंबर फाइव पे इनपुट और इंटर क्लॉक एंड पेज लॉकिंग पढ़ा। तो ये जो है चार पांच पांच फंक्शन जो है ये एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी जो है परफॉर्म करवा रहा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, लेक्चर नंबर टू हमारा जो है दी एंड हो गया है। तो फर्दर जो है कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर टू हमारा दी एंड हो गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।